अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं डोमिनोज स्टाइल जिंगी पार्सल, जिसे बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट डाल देंगे, आप भिगा कर भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक और 1 टीस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। ऑयल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी का यूज़ करते हुए हमें सॉफ्ट डो गूंथ कर रेडी कर लेना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो ये देखिए, डो हमारा बनकर रेडी है। इसको ऑयल लगा देंगे और कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देना है। अब हम फिलिंग बना लेते हैं। तो 2 छोटे चम्मच तेल डाले हैं, उसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेना है हमें। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। आप जितनी क्वांटिटी बना रहे हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो चिकन को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसमें चॉप टोमेटोज ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, एक छोटे साइज़ का टोमेटो ऐड कर देना है। इसको हल्का सा सॉटे कर लेना है। फिर इसमें 1/2 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ओरिगेनो डालेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। और इन सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। टोमेटोज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, इस तरीके से हम इसको पकाएंगे। तो अब हम इसमें बॉईल किए हुए कॉर्न ऐड करेंगे और चॉप की हुई कैप्सिकम ऐड करेंगे। टोमेटोज भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इन सबको सॉटे कर लेना है और फिलिंग हमारी बन के रेडी हो चुकी है। 2-3 मिनट्स बस सॉटे करना है। ये देखिए फिलिंग रेडी है। इसको ठंडा होने देते हैं साइड में। अब इसको 1 से 1.5 घंटे राइज होते हुए हो चुके हैं। इसको मैंने निकाल लिया है। इस पर हम सूखा आटा लगाएंगे और हाथों की मदद से इसको इस तरीके से मलना है, इसकी मालिश करना है। इससे बहुत ही सॉफ्ट बंस जो हम जिंगी पार्सल बना रहे हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप करते जाए जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए आटा। अब इसके पार्ट्स कट कर लेंगे हम। तो इस तरीके से पार्ट्स मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको आटा लगाएंगे और इसको रोल कर लेना है। बिल्कुल पतला रोल नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा रखना है इसको। ये देखिए इस तरीके से रोल कर ले। और इसकी किनारियों पर अब हम पानी लगा देंगे, क्योंकि इसकी किनारियों को हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आप पानी लगा ले। ब्रश की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस तरीके से इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसमें मोज़रेला और प्रोसेस चीज़ मिक्स करके मैंने ग्रेट की है वो डाल देंगे। फिर जो फिलिंग हमने बनाई थी वो फिलिंग डाल देना है। अब इसके ऊपर फिर से हम चीज़ डाल देंगे और इसको अच्छे से हमें पैक कर देना है। ये देखिए पहले फर्स्ट फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर पानी लगा देंगे, फिर ये सेकेंड वाला फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से चिपका देना है इस पर। फिर पानी लगाएंगे ब्रश की हेल्प से और इसको भी चिपका देंगे अच्छी तरह से। इसको फिंगर की हेल्प से दबाते हुए चिपकाइए ताकि बेक होते वक्त खुल ना जाए। तो ये देखिए इस तरीके से इसका कुछ शेप होगा। ये एक बनकर रेडी है। मैं दूसरा भी आपको बताऊँगी किस तरीके से बनाया है मैंने। तो रोल कर लिया है
अब इस पर पानी लगा देंगे और इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देना है। चीज डाल देंगे, जो फिलिंग बनाई थी वो डाल देंगे। अब फिर से इसके ऊपर चीज डालेंगे और इसको फोल्ड कर देना है। पानी लगाना है और इसको चिपका देना है अच्छी तरह से। आप इसको बनाओगे तो ये ज़रूर आपको पसंद आने वाली है। इवनिंग स्नैक्स के टाइम पर आप बना सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं या बड़े भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में। तो सारे इसी तरह से हम बनाकर रेडी कर लेंगे। बेकिंग ट्रे ले लेंगे, उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि बेक होते होने के बाद ये चिपके ना उसके ऊपर। और एक एक करके सारे जो हमने बनाए थे उसको रख देंगे। ओवन को प्री हीट कर लिया है मैंने, 20 मिनट्स के लिए प्री हीट किया है 200 टेम्परेचर पर। अब हम इस पर एग वॉश करेंगे। एग वॉश करने से कलर बहुत अच्छा आता है बेक होने के बाद ऊपर से। आप अगर एग वॉश नहीं करना चाह रहे हैं तो आप मिल्क वॉश भी कर सकते हैं इस पर। अब इस पर ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं इस पर। लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और टेस्टी भी लगेगा खाने में। तो अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे 200 टेम्परेचर पर। 30 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लेंगे। तो ये देखिए 30 मिनट्स बाद बेक हो चुके हैं। इसको 2 मिनट के लिए मैंने ठंडा कर लिया था। अब इसको निकाल देंगे हम। देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखने में, और खाने में तो इतना टेस्टी था ये। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मेरे तरीके से बहुत ही टेस्टी और यमी सा ये बनकर तैयार होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है ये, बहुत ही सॉफ्ट है ये। तोड़कर भी मैं आपको बताती हूँ कि कितना चीज़ी टेक्सचर आया है इसका। ये देखिए बहुत ही चीज़ी और यमी सा ये बनकर तैयार हुआ है डोमिनोज स्टाइल जिंगी पार्सल। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।